पूरे 10 दिनों तक गजानन स्वामी की पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद अनंत चौदस को उनकी प्रतिमा का विसर्जन का दौर शुरू हो गया है। वैसे तो 3 दिन के बाद से ही गणेश की प्रतिमा विसर्जन करना शुरू कर दिया गया, लेकिन मान्यताओं के अनुरूप अनंत चौदस को गणपति महाराज को विदाई दी गई। कोरबा के पाली क्षेत्र में रात भर भजन कीर्तन करने के बाद सुबह सुबह बस्ती भ्रमण कराने के बाद जल स्रोतों में श्री गणेश को प्रवाहित किया गया। इस दौरान गणपति बप्पा मोरिया के नारे गुंजायमान होते रहे। गजानन स्वामी का प्रतिमा बैठाए थे और आज चतुर्दशी है, तो आज गजानन स्वामी का विसर्जन कार्य क्रम है। रात्रि भर पिछले जो रात्रि बीता उसमें रात्रि भर में कीर्तन, महिलाओं का कीर्तन और पुरुष मंडलियों का रामायण का कार्यक्रम रात भर चला।